नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक महोदय का एक आदेश आया है कि प्रत्येक शिक्षक को वो जिस विषय को पढ़ा रहे हैं या जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसकी एक 5 मिनट की शिक्षण वीडियो बनानी है। स्कूल के प्रत्येक शिक्षक को ये बनानी है और इसके साथ साथ उन सभी वीडियो को इकट्ठा करकर, पूरे स्कूल की वीडियो को इकट्ठा करकर उनका एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर BRC पर जमा करना है। ऐसा एक आदेश आया था और उस आदेश की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। साथियों देखिए, इस वीडियो को बनाने का क्या उद्देश्य है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन महानिदेशक के आदेश के अनुसार उस आदेश में लिखा हुआ था कि इस तरह की वीडियो प्रत्येक शिक्षक बनाएंगे और इन वीडियो का संकलन किया जाएगा डायट में। डायट में देखा जाएगा, इन वीडियो का आकलन किया जाएगा कि शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहे हैं और उनके शिक्षण में कहां कमी है। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है, लेकिन आगे इन वीडियो का क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये एक तरह से ऑनलाइन शिक्षण की भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको ये वीडियो बनानी है क्योंकि हमें निर्देशों का पालन करना है। और इसलिए आज 17 तारीख है और कल से 18 तारीख से छुट्टियां पड़ जाएंगी। बहुत से जिलों में वीडियो ले ली गई है, लेकिन बहुत से जिलों में अभी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि कल 18 तारीख है और आपके पास एक अंतिम दिन बचता है, क्योंकि उसमें आदेश में लिखा है कि 20 तारीख तक वीडियो आपको पहुंचानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छुट्टी पड़ जाए और फिर आपको वीडियो बनाने का आदेश मिल जाए छुट्टियों में, उसमें आपको बेवजह परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप घर से वीडियो बनाएंगे तो आपके पास एक तो ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, चाक डस्टर नहीं होगा या आपके पास मार्कर नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि कल इस वीडियो को आप बनाकर रख लें। भले ही आपको बाद में इसको दें, आपको अपने फोन में सेव कर लें, क्योंकि जिस तरह के निर्देश हमें मिल रहे हैं उनका अनुपालन हमें करना होता है। इन वीडियो का क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है, तो इसलिए आपको बनानी है एक वीडियो 5 मिनट की। किस तरह से आपको बनानी है ये मैं आपको बता देता हूं, और बेहतर होगा कि सभी शिक्षक इस वीडियो को बनाकर जरूर रख लें। उसके बाद फोल्डर कैसे बनाएंगे वो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं इस वीडियो में, तो वो क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने विद्यालय का नाम लिखना होगा, अपना ब्लॉग और अपने जिले का नाम आपको इसमें लिखना होगा। तो फिलहाल आपको जो वीडियो बनानी है उसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, उसमें आपको जो फोन है अपना लैंडस्केप मोड में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है। पोर्ट्रेट का मतलब सीधा नहीं रखना है इस तरह से, आपको अपना मोबाइल इस तरह से रखना है। पहली बात तो आपको यही ध्यान देनी है। दूसरी बात, आप एक छोटा सा टॉपिक लें, क्योंकि देखिए 5 मिनट का समय दिया गया है। 5 में आप 7 मिनट की बना सकते हैं, 8 की बना सकते हैं, इससे ज्यादा वीडियो नहीं बनानी आपको। और देखिए, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए होते हैं और आपको टॉपिक भी क्लियर करना है, तो इसलिए छोटा सा टॉपिक आपको लेना है। और उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी आप प्रकरण लेंगे सबसे पहले आप एक प्रकरण लिख लेंगे। यहां पर जिसकी वीडियो आपको बनानी है आप इस तरह का एक प्रकरण लिख देंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो आप उस प्रकरण को इस तरह का प्रकरण ले लेंगे। जो भी कुछ आप सब समझा रहे हैं, आप स्वर समझा रहे हैं छोटी क्लास में है, व्यंजन समझा रहे हैं, संधि समझा रहे हैं, समास समझा रहे हैं या कोई भी समझा रहे हैं, मान लीजिए मैं एक प्रकरण ले लेता हूं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक की वीडियो बनाई है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आप एक TLM जरूर लेंगे और अपने TLM को साथ के साथ यहां पर लगा दें ब्लैक बोर्ड के बराबर में, यहां पर आप अपना TLM लगा दें जिससे कि वीडियो में आपका TLM दिखता रहे, जिससे आपको पता चले। देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन भी हमें पढ़ाना पड़े, तो इसलिए अभी से शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। और मैं तो यही कहूंगा, जो शिक्षक अच्छी वीडियो बना रहे हैं इस तरह की वीडियो, वो मुझे भेजें तो मैं उनको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि पता चल जाए कि हमारे शिक्षक कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप वीडियो बनाएंगे तो एक बार मुझे भी भेज देंगे तो मैं भी उसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे पता चल जाए कि हमारे शिक्षक कितनी कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक ब्रिलियंट टीचर है, एक से अच्छा पढ़ाने वाला है। हो सकता है आपके पास कुछ और इनोवेटिव आइडियाज हो इन वीडियो को बनाने के, जैसा मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से यहां पर आप अपना TLM लगा लें जिससे कि आपको समझाना है, यहां पर कोई TLM आप अपने ब्लैक बोर्ड पे यहां पे लगा लें।
यहां पर आपने अपना प्रकरण लिख लिया। प्रकरण लिखने के बाद आपको लर्निंग आउटकम जरूर लिखना है। यहां पर आप अपना लर्निंग आउटकम जरूर लिखना है। अब लर्निंग आउटकम में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर लर्निंग आउटकम हम कहां से लेके आए या लर्निंग आउटकम क्या होता है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट भाषा में बता देना चाहता हूं, लर्निंग आउटकम का हमारा मतलब है जो भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भले आप 5 लाइन पढ़े बच्चों को पढ़ाएं या 10 लाइन आप बच्चों को पढ़ाएं, ज्यादा मत पढ़ाइए, केवल इतनी लाइन पढ़ाइए, उस लाइनों में जो आपने पढ़ाया, मान लीजिए मैं यहां पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या आया वो ही हमारा लर्निंग आउटकम होगा। तो लर्निंग आउटकम आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज, मान लीजिए आपने स्वर पढ़ाए तो आप लिख सकते हैं बच्चे स्वर के बारे में जानते हैं या बच्चे स्वर की पहचान कर लेते हैं। जैसे यही टॉपिक है, इसका लर्निंग आउटकम मैं क्या लिखूंगा, बच्चे भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। बच्चे एक लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, बच्चे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। आप दो लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लर्निंग आउटकम होंगे। दूसरा मैं लिख देता हूं, बच्चे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर पाते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर पाते हैं। एक लर्निंग आउटकम ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद बच्चों को ये आ जाना चाहिए, वही हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो इस तरह से हम लर्निंग आउटकम देखेंगे। तीसरा मैं यहां लिख सकता हूं, बच्चे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे पाते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे पाते हैं। ये मैंने तीन लर्निंग आउटकम लिख दिया, आप एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रकरण होगा उसी से हमारा लर्निंग आउटकम निकल जाएगा और वो लर्निंग आउटकम होगा जो बच्चे जो हमने टॉपिक पढ़ाया उनकी समझ में आ गया, समझने के बाद वे किस योग्य हमारे हो गए, उनकी कितनी समझ में आया, वही हमारा लर्निंग आउटकम होगा। तो इसलिए आपको जब भी वीडियो बनाए तो एक तो प्रकरण आपको लिखना है, बच्चे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में के बारे में जानते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर पाते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण दे पाते हैं। यहां पर अपना टीएलएम होगा, टीएलएम का आप यूज कीजिए, यूज करके बच्चों को 5 से 7, 8, 9 मिनट तक आप उनको उस टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो इसलिए बेहतर है कि कल लास्ट दिन है तो कल आप इस वीडियो को जरूर बना लें, और वीडियो को बनाने के बाद इसके बाद हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपना नाम भी इसमें लिखना होगा, और अपने नाम लिखने के साथ ब्लॉक का नाम, ये सब चेंजेस आप दूसरे कुछ ऐप होते हैं जैसे काइन मास्टर होता है उनसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें कि क्या कमी रह गई है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, और मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। तो आप कल इस वीडियो को बना के जरूर रख लीजिए। उसके बाद किस तरह से फोल्डर बनाना है प्रधानाध्यापक को, किस तरह से बीआरसी को देना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आप 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपको कह दें गर्मी की छुट्टी में 25 दिन की छुट्टी मुश्किल से पड़ रही है, और उसमें भी आपको काम बता दें कि वीडियो उपलब्ध कराओ, क्योंकि आदेश में तो लिखा है 20 मई तक उपलब्ध कराना है। हो सकता है कि जुलाई में आपसे वीडियो मांगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी छुट्टी बर्बाद ना हो तो इस काम को कल ही जरूर कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है 5 से 10 मिनट की, 7 मिनट की, आप मुझे भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उन वीडियो में देखकर जो वीडियो मुझे लगे कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो उन वीडियो को मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि पता चल सके कि हमारे शिक्षक साथी कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है आजकल बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है, बहुत दिनों से शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ट्रांसफर ना होने की वजह से शिक्षकों में आपसी मतभेद हैं, और उनकी मारपीट की वीडियो, अलग अलग तरह की वीडियो रोज
सोशल मीडिया पे आती है, एक दो वीडियो मैं भी डालता हूँ, हालांकि वो मुझे भी बढ़िया नहीं लगती, लेकिन हमारे शिक्षक नहीं मान रहे हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन में है या किस तरह की उनके बीच में विवाद हो रहे हैं, उस तरह की वीडियो आती है तो उनसे विवाद की छवि धूमिल होती है। लेकिन आप इस तरह की वीडियो अगर आप डालेंगे 5-5 मिनट की पढ़ाने की, तो समाज में यही संदेश जाएगा कि बेसिक के शिक्षक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय की ये डिमांड हो किस तरह से, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि इस तरह की वीडियो डायट लेवल पे जाएंगी, वहां पर इनका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण करने के बाद देखा जाएगा कि कौन शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, कौन शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है। हो सकता है जिनकी वीडियो अच्छी हो सकता है उनको दीक्षा में जगह मिल जाए या और कहीं जगह किसी प्लेटफॉर्म में जगह मिल जाए, और जिनकी वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं होगी तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो कहने में आ रहा है कि डाइट में जो वीडियो को देखेंगे कि वीडियो में क्या कमी है, उसके आधार पर उनकी ट्रेनिंग डिसाइड होंगी कि शिक्षकों को किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कौन सी ट्रेनिंग की उनको जरूरत है। तो हो सकता है इनसे हमारी ट्रेनिंग डिसाइड हो, किस तरह की ट्रेनिंग की शिक्षकों को जरूरत है, क्या वे नहीं कर पा रहे हैं, क्या वे समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी छुट्टी बर्बाद न है तो कल 5 मिनट की एक वीडियो जरूर बना लें। वीडियो को लैंडस्केप मोड पे, यानी मोबाइल को आपको इस तरह से रखना है, इस तरह नहीं रखना है, इस तरह से रखना है, बना लें, प्रकरण लिख दें और इसके साथ साथ इसमें लर्निंग आउटकम जरूर लिखें और एक TLM जरूर यूज करें। चाहे आप कैसा TLM चार्ट भी यूज कर सकते हैं, वर्किंग मॉडल भी यूज सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, उसके बाद जैसे ही आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिस तरह के कमेंट में आएंगे उसी के आधार पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं और इसमें नाम किस तरह से लिखा जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।